भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से इस वक्त बहुत ही दुख की खबर सामने आ रही है। अपनी सबसे बड़ी हमदर्द को आज खो दिया है नरेंद्र मोदी ने। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इस साल जहां हमें कई खुशी की न्यूज सुनने को मिली, वहीं बहुत दुख की खबरें भी सुनने को मिली। जाते जाते ये साल कई लोगों को बड़े दुख देकर गया, तो कई लोगों के लिए काफी लकी साबित हुआ। इस साल में हमने बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को खोया। इसी के साथ कई स्टार्स ने भी इस दुनिया को कहा अलविदा। हाल ही में तनिषा शर्मा की मिस्टीरियस मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। अब नरेंद्र मोदी के घर से भी दुख की खबर आ रही ही है कि उन्होंने अपनी माँ को आज खो दिया है। इनकी माँ काफी समय से बीमार थी और वे हॉस्पिटलाइज भी थीं। और आज 99 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा हमेशा के लिए अलविदा। इनके घर वाले इस वक्त इनके जाने से काफी गहरे दुख में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ की अंतिम यात्रा पर काफी दुखी नजर आए। इन्होंने इस वक्त अपने सारे कामों से ब्रेक लेकर फैमिली के साथ वक्त बिताने का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी ने मीडिया से भावुक होते हुए बात की है कि वो अपनी माँ के बहुत क्लोज थे और ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा है। साथ ही उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट भी की है कि उनकी माँ के लिए प्रे करें। दोस्तों आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में नरेंद्र मोदी की माँ के लिए बेस्ट विशेस लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही इनके और उनके फैमिली के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है।